हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम निकले हैं बेशू की साइड में, जो कि सूरत में पड़ता है, और ये हैं शशांक भाई हमारे। आज हम दोनों मिलकर इस बेशू साइड को कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर आप जानते होंगे, सूरत में रहते हैं तो सोमेश्वर जंक्शन पड़ता है बस स्टॉप BRTS का। तो आज पहले हम उधर से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको यहाँ का कुछ अच्छा अच्छा व्यू दिखाते हैं, राइट। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। ओके, यहाँ पर रॉयल इनफील्ड्स की शोरूम है और यहाँ पर अगर आपको बाइक लेना है तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर नेक्सा का भी है, सुजुकी मारुति की वगैरह वगैरह, मतलब नेक्सा का जो होता है, सुजुकी की ही नेक्सा है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और परचेस कर सकते हैं अगर आपको फोर व्हीलर में परचेस करना है तो। हमारे रॉयल इनफील्ड्स का है, यहाँ पर आप आकर परचेस कर सकते हैं अगर आपको बुलेट वगैरह रॉयल इनफील्ड्स वगैरह लेनी है तो। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको जो व्यू दिखाने जा रहे हैं ना, वो 100% आपको पसंद आएगा, वो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए आपको व्यू दिखा दें, कितना गजब है। बसें एक कतार से लगी हुई हैं और रोड के साइड में इतने अच्छे अच्छे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, मतलब पेड़ है। तो चलिए वीडियो बने रहिए और आप आगे का व्यू देखिए। फ्रेंड्स, अभी हम घूमते घूमते थोड़ा आगे निकले हैं और यहाँ पर आपको अगर आते हैं घूमने ना, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे शोरूम हैं, दुकानें हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर अगर आप आते हैं ना, जैसे आप हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर गांव में रहते हैं, तो अगर आपको टाइम मिले कभी घूमने का तो आप इधर आकर घूमिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं। फ्रेंड्स, अभी हम घूमते घूमते आ गए एक साइड में शॉप थी और देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर ट्राईपोर्ड मिल जाता है बढ़िया से तो अभी हम परचेस करते हैं, क्योंकि जो मेरा ट्राईपोर्ड है मैं उसको घर पे भूल गया हूँ और तो इमरजेंसी में लेना पड़ेगा। अगर देखते हैं अच्छा वाला मिलेगा तो लूँगा, राइट। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं ये वाला भाई सही नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, केवल दौड़ना हो इधर उधर प्ले ले। और भाई के पास बड़े बड़े भी हैं, लेकिन बड़े बड़े तो लेना भी अच्छा है। आपका कैमरा वगैरह का लिए भी चलता है? नहीं, बड़ा वाला तो है घर पे है। दरअसल क्या है, छोटा वाला भी था और उसको छोड़कर चले आए, इमरजेंसी में बीच में था और भाई पहले निकल आए थे। तो भाई पसंद तो आया नहीं, क्योंकि इनके पास में उस क्वालिटी का नहीं था, जिस क्वालिटी का ट्राईपोड अपने को चाहिए था उस क्वालिटी का इनके पास ट्राईपोड नहीं था। सस्ते वाले थे और सब प्लास्टिक वगैरह के थे, उसमें लोखन वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं था। तो प्लास्टिक वाला भाई 90 रुपीज़ 120 ऐसे ही दे रहे थे, तो हमारे हिसाब से बेहतर नहीं था तो हमने परचेस नहीं किया। तो कोई नहीं, आज तो हाथों में लेकर ही ट्रैवल करेंगे, पूरी तरह से ब्लॉग बनाएंगे और आपको अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं कितना अच्छा सनसेट पॉइंट, वाओ कितना अच्छा ब्यूटीफुल एरिया है। अगर आप यहाँ पर आते हैं एक बार ना, आपकी तबीयत हरियर हो जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। आपको तो पता ही है चैनल आज अयोध्या से ही है, तो मैं भी कहीं और दूर का नहीं, अयोध्या के रहने वाला हूँ। तो आपको मैं ऐसे ऐसे ही व्यू दिखाऊंगा जो आपको हरियाली भरा हो और आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपका मन एकदम हरियाली से खिल जाए। तो अभी मैं आपको समंदर की सैर भी कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। हम और शशांक भाई अभी जाएंगे समंदर की सैर करने, बीच पे एकदम चिल करेंगे भाई बैठ के। तो आज मैं आपको आज को एक्चुअल में होने वाला क्या है ना, आज हम लोग आपको दिखाएंगे डुमस जो समुद्र है उस पर सनसेट पॉइंट, जो मतलब डुमस में सनसेट पॉइंट होता है, वो सनसेट पॉइंट कैसा, सनसेट कैसा होता है डुमस में, बहुत हैवी होता है। एंड वहाँ पे मतलब डुमस एक चीज़ फेमस क्या पता है खाने के, वहाँ पे मतलब जो भेल वगैरह मिलती है ना, मकई मतलब जो बाल बोलते हैं अपन नॉर्मल सा, वो पॉपकॉर्न वाले बाल, वो वहाँ पे ज़्यादा मिलते पकाए उबले हुए, वो ज़्यादा खाने में हम लोग को मज़ा आता है। तब तक लिए बने रहो। तो अभी चंद्र पर थोड़ा सा मॉल दिखाते हैं, मॉल वगैरह देखो।
भैया ये जो साइकिल देख रहे हो ना, ये आपको एक दिन के लिए क्यों 350 रुपये में देंगे, अगर आपको चलाना है तो भैया ले सकते हो, चलाओ दिन भर। तो भैया आपको चश्मा वश्मा लेना है ले लो। तो भाई चलते चलते एक फ्लावर्स की नर्सरी जहाँ पर होती है वो मुझको दिख गया। चलो मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, कितने अच्छे खिले हुए हैं। तो भी आपने देखा कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे राइट। तो भैया इसी तरह से वीडियो में बने रहो और आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा यार, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ आपको। और शशांक भाई की पूछो ही मत, वाओ मैं तो फुल एंजॉय कर रहा हूँ भाई, क्योंकि तो पता है अपनी बहुत पसंद है सिटी में घूमना चलते, लेकिन हाँ पाँव की लग जाती भाई। वाओ यहाँ की जो सड़क है आप देख सकते हैं कितनी साफ सुथरी है, मतलब आप सड़क से ही आप गेस लगा सकते हैं कि इतना अच्छा एरिया है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आकर घूमिए मज़े लीजिए। तो भाई आपको बताना चाहते हैं रास्ते में ट्रैवल करते हुए घूमते हुए जितना भी साइड का एरिया होता है लगभग खाली एरिया होते हैं यहाँ पर आपको, या फिर चल रास्ते पर आपको भेल या फिर फ्रैंकीज वगैरह या फिर आइसक्रीम आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, मतलब कि आपको खाने पीने के लिए टेंशन नहीं है रास्ते में, अगर भूख आपको लगती है तो आप नाश्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर, कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पर घूमने में, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ अपने आप को कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप पीछे का व्यू देख लो और मैंने अभी ये आगे का व्यू भी दिखाया, तो इस प्रकार से आप देखते जाइए भाई, यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स रास्ते में मुझको एक ये पार्क दिखा, मतलब कहते हैं इसको फूड पार्क वगैरह, मतलब बच्चों के खेलने कूदने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है ये। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं महाराणा प्रताप जंक्शन के पास में भाई। तो हेलो फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा एरिया है ये और कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है भाई, कवर नहीं हो रहा, लग रहा है वाइड एंगल लेना पड़ेगा, लेकिन मैं वाइड एंगल नहीं लूँगा, कोई नहीं देखो आप। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते चलते आ गए हैं उधना मगदल्ला रोड, वाया जंक्शन उधना मगदल्ला रोड। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतर है। तो फ्रेंड्स चलो अब चलते हैं हम आपको समंदर की सैर कराते हैं, अब हम दोनों चल रहे हैं बस में ट्रैवल करने, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू गुजरात नंबर वन फूड ब्रीज, ये है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रीज है जो कि यार हॉल के पास में है, इसी पर चढ़कर अभी चल रहा हूँ, बहुत अच्छा सा फील आ रहा है। उधर से चढ़े और इधर नीचे की साइड चल रहे हैं, मतलब दूसरे की साइड। तो फ्रेंड्स अभी हम फाइनली नीचे उतर गए हैं और बाहर निकल गए हैं, बाहर का व्यू कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। इधर है वी आर मॉल आपको हम बाद में दिखाएंगे कभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठने के लिए बहुत अच्छे सी चेयर लगाई गई है, बैठकर कर यहाँ पर आप रिलैक्स फरमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम कुछ और व्यू दिखाना चाहते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी और आपको भी देखकर थोड़ा आश्चर्य होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक अंडे आकार जैसा बनाया गया है एक, तो अभी आपने जो देखा वो अंडे आकार जैसा वो एक टावर है काफ़ी अच्छा सा है। तो अभी हम चलते हैं बस पकड़ते हैं और चलते हैं डुमस की तरफ। अभी हम वाया जंक्शन डुमस बस स्टॉप कर खड़े हैं और यहाँ से चल रहे हैं समुंदर के बीच। फ्रेंड्स अभी हम बस में बैठ चुके हैं, सीट्स अवेलेबल नहीं है तो हम दोनों भाई और
मैं खड़े हुए हैं, अभी आप देख सकते हैं। सो लो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं डुम्बस, और यहाँ पर बहुत लोग आपको केवल में समंदर दिखाते हैं, और आज आपको हम यहाँ पर सनसेट व्यू दिखाएंगे और यहाँ के आसपास के थोड़े बहुत नज़ारे दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा सा ये स्टैचू बना हुआ है, जैसे क्या वाओ, देखते जाओ आप, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा फव्वारा निकल रहा है। सो गाइस, अभी हम समंदर के बीच पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो एरिया है ना, यहाँ पर बहुत सुकून सा फील हो रहा मतलब है। जो शुरू सिटी बोलते हैं लोग, बहुत ज्यादा गर्मी में यहाँ पे ठंडी भी नहीं पड़ती ना, मतलब यहाँ पे बोले ऐसा चिल बोलते हैं ना, तो चिल एरिया है एकदम एकदम से। और आपको बताएं, आपको सनसेट पॉइंट दिखाने के लिए इतना तेज हम लोग पैदल चल रहे हैं ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। राइट, तो चलो वीडियो में बने रहो। अभी हम घूमते घूमते तो पहुंच चुके हैं डुम्बस की बीच पर, और यहाँ पर पार्किंग वगैरह वगैरह है, और आपको हम कुछ व्यू दिखाने वाले हैं अभी। सो फाइनली गाइज, अभी हम आकर पहुंच चुके हैं डुम्बस बीच पर, जो आपको दिखाना चाहते थे सनसेट व्यू। सो उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन नॉर्मली तो इस प्रकार से है भैया, देख सकते हैं सूरज डूब चुका है। तो फ्रेंड्स देखो, कुछ इस प्रकार से भी यहाँ का सीन है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर के जो आप देख रहे हैं बीच में जगह है ना, अगर देख कर नहीं चलेगी ना तो हम लोग भी इसी में टूट फूट जाएंगे, मतलब पैर हम लोगों का। अभी देखो ससांग भाई को किस तरह से कूदते हुए जा रहे हैं, हम भी कूद लें। भाई बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। अरे यार वाओ, ऐसा लग रहा है। आई एम सॉरी, आपको सनसेट पॉइंट नहीं दिखा पाया आने में, ट्रैवलिंग में, मतलब जो बस थी जिस बस पर हम बैठे थे वो काफ़ी लेट ला कर आई, यहाँ पर छोड़ी, तो इसके लिए सॉरी। फिर कभी आपको हम सनसेट पॉइंट दिखा देंगे, जो कि काफ़ी बेहतर लगता है यहाँ का सनसेट पॉइंट। ओके, तो चलो यहाँ का थोड़े व्यू देखो आप। चलो अब चलते हैं थोड़ा समंदर के किनारे तक चलते हैं, आई मीन जहाँ पर पानी अभी मौजूद है, मतलब ऐसा बोले, और जहाँ पर अभी हम हैं दोपहर के टाइम में यहाँ तक पानी आता है, काफ़ी तगड़े में आता है, मतलब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको अंदर ही ले जाएगा पानी। सो कोई नहीं, जहाँ तक पानी अभी नहीं है वहाँ तक हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कितना अच्छा लगता है। फिलहाल जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर, मतलब जैसे कहते हैं ना, पैर में हमारे मतलब मिट्टियाँ फंस रही हैं। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लगता है जाने लायक जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेती काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर कुछ दलदल वगैरह है, तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो भाई तो फंस जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ लोग गए हुए हैं। और शशांक भाई को देखो, वहाँ पर वो जा रहे हैं, वहाँ पर भी दलदल है, वो भी फंस जा रहे हैं, उनका पैर अभी अंदर जाएगा ना, बहुत निकल आओ। तो वैसे आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जहाँ तक आपके पैर ना धंसे, मतलब जमीन में ना फंसने लगे, वहाँ तक ही आप जाइए, उसके आगे आप मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता ना कि जहाँ पर अगर दलदल होगा तो वहाँ पर अगर फंस जाएंगे आप तो आप नहीं निकल पाएंगे। और मैं आपको सजेशन एक और देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी जगहों पर आएँ तो अपने फैमिली या फिर फ्रेंड के लोगों के साथ में आएँ, जो कि ट्रस्टेबल हो फ्रेंड, उन्हीं के साथ। राइट, तो अभी यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार है। वाओ, आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो ये लाइट, आई मीन जो ऊपर से रोशनी आ रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बाय द वे, हम लोगों को लगा है भूख, चलते हैं। मैं जा रहा हूँ खाने पे, इनको पता नहीं क्या हो गया भाई, वाइब में आके इनके मतलब होश गुम हो चुके। एक बात मुझे लग चुकी है भूख। एक बात आपको बता दूं, मैं आज मॉर्निंग से खाना नहीं खाया हूँ, लेकिन देख सकते हो मैं किस तरह से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई वाइब में गुम हो गया मेरे। सो गाइज, फाइनली अब कुछ बातें आपको बता दें, टिकट्स आई मीन
यहाँ पर हम लोग आए हैं तो जहाँ से हम लोग बैठे हैं वो वैसे तो आपको बता दें वेसू के एरिया में पड़ता है, वैसे अल्थान गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ एक पड़ता है पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहाँ से हम लोग और यहाँ डुमस तक आए हैं। 18 रुपये केवल एक पर्सन का लगा हुआ है। हाँ एक्चुअली हम लोग जहाँ से बैठे हैं ना वहाँ से एक्चुअली हम लोग ने एक बस चेंज की, बस चेंज की कहाँ से हम लोग बैठे पंचमुखी हनुमान मंदिर से। हनुमान मंदिर के बाद हम लोग आए सोमेश्वर, सोमेश्वर से हम लोग थोड़ा सा पैदल चल के आए, बीआर मॉल से बैठा, बीआर मॉल से हम लोग बैठे 216 नंबर की बस में जो सूरत स्टेशन से भी चलती है डुमस तक। तो मैं आपको बताऊंगा सूरत स्टेशन डुमस तक में उसका उसका क्या फेयर लगता है। बाकी हाँ फिर हम लोग वहाँ से 10 रुपये देंगे डायरेक्ट डुमस उतर के, वो आती है डुमस के मतलब बोलते हैं चौपाटी तक आती है। और हाँ सूरत स्टेशन से लेकर डुमस तक उसका जो रेंट मतलब लगता है फेयर लगता है ना 22 रुपये, 22 रुपीज। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको बस लेनी चाहिए क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आप अकेले आ रहे हो हमारे से बैग पैक करो तो बस 22 रुपये की टिकट कटाओ सूरत स्टेशन से, आ जाओ डुमस घूमो एंजॉय करो फिर चले जाओ। चलो अकेले हाँ एक बात आपके लिए इन्फॉर्मेशन में मजा आया होगा, प्लीज लाइक कर देना यार, हम लोग काफी ट्रेवल करते हैं आपके लिए लाइक बताने के लिए सब कुछ बताने के लिए। भाई पैर दर्द करने लगता है, आप तो सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे हो बट हम लोग चल रहे हैं। आप लोग बताते हैं या फिर बोलते हैं कमेंट करके कि भाई वीडियो अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप हम लोगों से पूछो कितना ट्रैवल करते हैं पैर में दर्द होने लगता है। शाम को जब पहुंचते हैं ना घर पे सो जाते हैं, मॉर्निंग कब होती है कुछ पता नहीं चलता, तो एक लाइक तो बनता ही है। ओके क्या व्यू आ रहा है मतलब क्या डांस कर दो। भाई मेरा भी सपना था, मेरी भी ख्वाहिश थी मैं कभी इस तरह से इस मतलब टाइम में इवनिंग के टाइम में कभी बीच पर घूमूंगा, मतलब ऐसा घूमने का मेरा भी ड्रीम था, मैंने भी कंप्लीट किया। इन्होंने मेरा डुमस काफी बार आज इनका फर्स्ट टाइम है डुमस, मेरा तो फर्स्ट टाइम। वैसे मैं बोले तो उमराट यहाँ पर पड़ता है एक, वहाँ पर तो मैं गया हूँ लेकिन वहाँ पर भी इतने समय तक इतने टाइम तक इवनिंग तक मैं कभी भी नहीं रुका, लेकिन आज ब्लॉगिंग YouTube मुझको यहाँ पर लाकर पहुँचा दिया और साथ में सत्संग भाई के साथ में। मतलब आप भी मतलब आप नहीं आ पा रहे हो बट वीडियो के थ्रू आप इंजॉय करो, मतलब नेचर हम लोग का फेस इग्नोर करो बट नेचर को इंजॉय करना चाहिए नेचर। भाई यहाँ पर जो ये पत्थर है वगैरह है ना, यहाँ पर अगर आप घूमते हैं बैठते हैं ये भी बहुत अच्छा लगता है भाई। सो गाइस अभी हो गया है यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा और हम लोगों को लगा है भूख, चल रहे हैं कुछ यहाँ पर नाश्ता विस्ता करेंगे। ऑर्डर दे दिया है हमने, शशांक भाई यहाँ पर बैठे हैं वो पानी पी रहे हैं भाई चले रहे, एकदम प्यास लग गई थी। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया चीज़ वाला एक्चुअली मकई वाला भेल, वो भी चीज़ वाला जो कि हमको पड़ा 70 रुपीज़ का। आने के बाद दिखाते हैं, खाने के बाद उसका टेस्ट बताते हैं। सो ओके बने रहो खाओ। तो यहाँ पर जो अंकल हैं वो बना रहे हैं हम लोगों के लिए भेल वगैरह, तो आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ इवनिंग के समय देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से समय मतलब इंजॉय लोग किस तरह से करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये भेल आ चुका है जो कि मुझे 70 रुपीज़ का यहाँ पर मिला हुआ है। अब इसको खाने के बाद में इसका टेस्ट आपको बताएंगे कितना अच्छा इसका टेस्ट है, मतलब कुल मिलाकर आप वीडियो में रहो देखते रहो। अब शशांक भाई उसको एक दूसरी प्लेट में आधा आधा कर रहे हैं तभी तो खाने में मज़ा आएगा। सुपर भाई कमाल का है भाई, अंकल ने बहुत अच्छा बनाया है, मतलब हमारे 70 रुपये कहीं पानी में नहीं गए हैं, एकदम अच्छे से हैं। सो गाइस घूमते घूमते नाश्ता विश्ता करते करते अंधेरा हो चुका है इतना ज्यादा कि अब क्या बताएं आपको, रात हो गई है। ये सस्ता बिना मेकअप का पैसा वैसा कम मिला है तो भाई मेकअप करने नहीं मिला तो यही कपड़ा लगा के भूत बन रहा है। तो गाइस वीडियो को करते हैं सिर्फ एंड, बाय बाय, चलो चलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में ना, बाय 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 बाय।